मैं नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आप सभी का NS मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम डेफिनेट इंटीग्रल में उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1, इंटीग्रेशन a से b fx dx। तो इसको हम a से b ft dt भी लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 1 है। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। 1, 2, 2 x dx। तो x का जो इंटीग्रेशन होगा x² / 2, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, तो 1/2, तो लोअर लिमिट प्लस में और अपर लिमिट प्लस में, लोअर लिमिट माइनस में, तो 1/2 4 - 1। तो इसका आंसर हमारा लेफ्ट हैंड से 3/2। अब मैं इसी तरह प्रॉपर्टी की हेल्प से इसे 1 से 2, क्योंकि अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों सेम है, x को t और dx को dt लिखता हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन फिर एक बार t² / 2 1, 2, 2, तो 1/2 2² - 1² यानी 3/2। तो हम देख रहे हैं कि हमने x को t में कन्वर्ट किया, dx को dt में कन्वर्ट किया और लिमिट सेम थी, तो हमारे आंसर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर टू, इंटीग्रेशन ऑफ a से b fx dx। तो यहाँ पर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं। तो जब ऑर्डर चेंज करते हैं तो अपर लिमिट को लोअर लिमिट, लोअर को अपर लिमिट, लेकिन साइन चेंज कर देते हैं ऐसी कंडीशन में, तो fx dx। तो इसे ऑर्डर, तो यहाँ हमारा a से b fx dx इक्वल माइनस, यानी जब अपर लिमिट लोअर, लोअर लिमिट अपर होती है तो हम साइन यानी प्लस को माइनस कर देते हैं। इसको भी एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे 1 से 2 e x dx, तो e की x का इंटीग्रेशन e की x लिमिट हमारा 1 से 2, तो ये e² - e1। इसी तरह अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को चेंज करते हैं, तो e की x dx, तो e की x का इंटीग्रेशन e की x 2 से 1, तो अब हम e - e² लेकिन माइनस की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं e² - e, तो सेम आंसर आता है प्रॉपर्टीज के बाद भी। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज नंबर 2 है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में हमारा a से b fx dx, तो इसको एडिशनल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसको हम a से c fx dx प्लस c से b fx dx में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर c अपर लिमिट होने के कारण प्लस, यहाँ पर c लोअर लिमिट होने के कारण माइनस। तो जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो अपर लिमिट से लोअर लिमिट कैंसिल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी फंक्शन fx dx है और यहाँ पर भी फंक्शन fx dx है। तो इसलिए हम जब कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी अपर लिमिट और लोअर लिमिट में डिफरेंस ज़्यादा होता है या मॉडुलस के क्वेश्चन होते हैं, तो उस टाइम हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। इसको भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। -π से +π x - 2 mod dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले हम इसमें x - 2 mod को हम मोड में, मॉडुलस में होने के कारण एक बार माइनस और एक बार प्लस,
जब माइनस होता है तो लेस देन टू, और जब प्लस होता है तो ग्रेटर टू। अब हमारे पास जो यहाँ पर लिमिट है, लोअर लिमिट माइनस फाइव और ये प्लस फाइव, तो यदि हम इसका ग्राफ्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कवर करते हैं तो ये हमारा माइनस फाइव ज़ीरो और ये हमारा प्लस फाइव ज़ीरो। तो अब हमारे पास माइनस फाइव ज़ीरो और प्लस फाइव ज़ीरो ग्राफ के रूप में है, और इफ़ एक्स माइनस टू इक्वल ज़ीरो तो यहाँ से एक्स इक्वल टू, तो हमारे पास जो पॉइंट आ रहे हैं वो टू ज़ीरो गिविन हो रहे हैं। तो टू ज़ीरो सपोज करो ये पॉइंट है, तो अब हम इस पे स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। तो यहाँ से जो हम ये हमारा एक्स इक्वल फाई है और ये एक्स इक्वल माइनस फाई है, ये एक्स इक्वल प्लस फाई है। जीरो गिवन हुए तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन माइनस फाई से प्लस फाई एक्स माइनस टू का मॉडुलस डी एक्स। अब जो हमारा क्वेश्चन माइनस फाई से टू एक्स माइनस टू का मॉडुलस प्लस टू से फाई एक्स माइनस टू का मॉडुलस डी एक्स। अब हमने इस प्रॉपर्टी का यानी ए से बी को, ए से सी, सी से बी, सी हमारा यहाँ पर टू टू वर्क कर रहा है, सी के लिए यानी टू वर्क कर रहा है। अब ये जो फंक्शन है माइनस फाइव से टू तक, ये माइनस वाला फंक्शन है, तो इसको हम जब माइनस लिखेंगे तो माइनस का एक्स प्लस टू डी एक्स यानी माइनस फाइव से टू, और ये हमारा फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन है टू से फाइव एक्स माइनस टू का इंटीग्रेशन। अब जब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू एक्स, लिमिट हमारी माइनस फाइव से प्लस टू, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टू एक्स, और लिमिट हमारी टू टू फाइव होगी। अब यहाँ पर हम पहले अपर लिमिट यानी टू रखते हैं, तो जब हम यहाँ टू रख रहे हैं तो टू का स्क्वायर फोर यानी माइनस टू, तो अपर लिमिट टू यानी प्लस का फोर माइनस, अब लोअर लिमिट माइनस फाइव, तो माइनस फाइव का स्क्वायर करेंगे प्लस, तो माइनस का ट्वेंटी फाइव अपॉन टू, माइनस फाइव रखेंगे तो माइनस का टेन। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन की वैल्यू है। अब इसी तरह सेकंड, यहाँ पर फाइव रख रहे हैं तो ट्वेंटी फाइव अपॉन टू, यहाँ पर माइनस का टेन, अब टू यानी लोअर लिमिट रख रहे हैं तो माइनस में टू का स्क्वायर यानी फोर का हाफ टू माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर ये प्लस का टू हो गया। अब इसको हम कंप्लीट सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास प्लस का टू, और यहाँ पर टू एलसीएम लेने पर माइनस के ट्वेंटी माइनस के फोर्टी फाइव प्लस के फोर्टी फाइव अपॉन टू, इसी तरह यहाँ से प्लस का फाइव बाई टू और यहाँ से माइनस का टू, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये फिफ्टी अपॉन टू यानी हमें जो आंसर गिविन हुआ फिफ्टी। हम इनके कोऑर्डिनेट भी गिविन कर सकते हैं, x तो हमारा यहाँ पर फाई है, यदि हम y की वैल्यू इसमें x इक्वल फाई रख रहे हैं तो हमें थ्री गिविन हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर x की वैल्यू तो माइनस का फाई है, जब यहाँ पर माइनस फाई रखेंगे तो ये प्लस का टू माइनस माइनस प्लस, ये सेवन हो जाएगा। इस तरह हम x y की वैल्यू भी गिवन कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर वन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स
फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन वेयर एफ एक्स इक्वल वन माइनस टू एक्स कंडीशन है लेस देन जीरो एंड वन प्लस टू एक्स कंडीशन है एक्स ग्रेटर इक्वल जीरो। अब जिस कंडीशन पे हमें यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करना है वो एक्स इक्वल जीरो है, जबकि हमारी लोअर लिमिट माइनस वन टू प्लस वन है। तो हमें इन क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है ये हमारा एक्स इक्वल जीरो है और ये हमारा माइनस वन है और ये हमारा प्लस वन है। तो अब जो हमें काम करना है माइनस वन से प्लस वन के बीच में और जो हमारा फंक्शन है इसके बिटवीन होना चाहिए, माइनस वन से प्लस वन के बिटवीन। अब हम प्रॉपर्टी नंबर थर्ड का यूज करते हुए इसको बाय प्रॉपर्टी थर्ड वी हैव माइनस वन से प्लस वन एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम इक्वल जीरो होने के कारण माइनस वन से जीरो एफ एक्स डी एक्स और फिर जीरो से वन एफ एक्स डी एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो फंक्शन माइनस वन से जीरो के बीच में भी फंक्शन गिवन है, फिर जीरो से वन के बीच में भी फंक्शन गिवन है। अब हम पहले फंक्शन को जो माइनस वन से जीरो के बिटवीन है वन माइनस टू एक्स, वन माइनस टू एक्स डी एक्स। अब सेकंड फंक्शन हमारा ग्रेटर जीरो इक्वल है, तो यानी जीरो से वन फंक्शन है वन प्लस टू एक्स। अब हम इन बोथ फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, वन का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, टू से टू कैंसिल, इसी तरह वन का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, तो लिमिट जीरो से वन। अब यहाँ पे पहले हम अपर लिमिट जीरो माइनस जीरो, अब लोअर लिमिट ये माइनस है और लोअर लिमिट भी माइनस है, तो ये वन माइनस वन का जब स्क्वायर करेंगे, माइनस वन का जब स्क्वायर करेंगे और माइनस ये, तो ये माइनस वन। इसी तरह अब यहाँ पर वन प्लस वन अपर लिमिट, अब जब ये रखेंगे तो कंप्लीट हमारा जीरो। तो यहाँ पर एक बार फिर ये जीरो और ये जीरो अपर लिमिट के कारण ये कंप्लीट जीरो। अब ये माइनस का वन क्या है, ये माइनस का वन है और यहाँ पर माइनस, तो ये माइनस का टू माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस टू और प्लस टू, ये तो हमारा आंसर फोर प्रॉपर्टी थर्ड से गिवन हुआ। क्वेश्चन नंबर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस ऑफ मॉडुलस। तो सबसे पहले मॉडुलस का क्वेश्चन करते हुए जो भी फंक्शन है उसको हम इक्वल जीरो रख देते हैं, तो इससे हमें एक्स की वैल्यू थ्री बाई फाइव, अब हमें एक्स की वैल्यू यहाँ से थ्री बाई फाइव गिवन हुई, इसको ग्राफ के द्वारा यानी ये एक्स इक्वल हमारा थ्री बाई फाइव, जो हमारी यहाँ पर अपर लिमिट वन लोअर लिमिट वन जीरो, तो ये हमारा वन और जीरो है। तो इस तरह जो हमारा यहाँ पर ग्राफ बन रहा है वो एक्स इक्वल थ्री बाई फाइव से लेस देन और मोर देन, तो यानी जो हमारा वन से यदि हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वाई इक्वल हमें गिविन हो रहा है फाइव एक्स माइनस थ्री। इसी तरह इस साइड में माइनस एक्स एक्सिस पर हमें थ्री माइनस फाइव एक्स गिवन होगा। अब हम क्वेश्चन के अनुसार किसी भी मॉडुलस फंक्शन को हम प्लस और माइनस में लिख सकते हैं, तो यदि माइनस है तो फाइव एक्स माइनस थ्री का माइनस और प्लस है तो फाइव एक्स माइनस थ्री। माइनस में वो हमारा लेस देन थ्री बाई फाइव होगा और प्लस में वो ग्रेटर इक्वल थ्री बाई फाइव होगा। अब हमारा मॉडुलस का क्वेश्चन एक फंक्शन से टू फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
माइनस जीरो से वन फाई एक्स माइनस थ्री का मॉडुलस डी एक्स। तो इसको हम जीरो से थ्री बाई फाई, इसमें माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, थ्री माइनस फाई एक्स डी एक्स। अब हम अपर लिमिट अगले फंक्शन में लोअर लिमिट का काम करेगी और मैक्सिमम हमें यहाँ अपर लिमिट वन गिवन हुई है। तो अब हम सेकंड फंक्शन फाई एक्स माइनस थ्री डी एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, थ्री का थ्री एक्स माइनस फाई एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट जीरो से थ्री बाई फाई। इसी तरह प्लस फाई एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस थ्री एक्स, लिमिट हमारी थ्री बाई फाई से वन। अब हम पहले अपर लिमिट रखते हैं, जब अपर लिमिट रखते हैं तो हमारा फंक्शन प्लस में एक्स की जगह थ्री यानी नाइन बाई फाई, तो यहाँ एक्स का स्क्वायर नाइन बाई ट्वेंटी फाई, तो फाई अपॉन टू इंटू नाइन बाई ट्वेंटी फाई। लोअर लिमिट हमारा एक्स इक्वल जीरो है तो कंप्लीट रिजल्ट हमें जीरो गिवन हो जाएगा लोअर लिमिट से। अब हम अपर लिमिट वन, अपर लिमिट वन तो वन का स्क्वायर वन, लोअर लिमिट माइनस रखते हैं तो थ्री बाई फाई माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, लेकिन लोअर लिमिट के बाहर साइन माइनस अप्लाई करते हैं तो थ्री बाई फाई का स्क्वायर यानी नाइन बाई ट्वेंटी फाई। अब इसी तरह यहाँ पर हम लोअर लिमिट रखते हैं, बाहर साइन माइनस है तो ये जब वैल्यू रखेंगे तो हमें माइनस का एक्स की वैल्यू जब यहाँ पर रखते हैं हम, तो पहले तो वन रखेंगे तो वन माइनस थ्री बाई फाई बाई नाइन बाई फाई, माइनस फाई से ट्वेंटी फाई कैंसिल होकर फाई नाइन अपॉन टेन, प्लस यहाँ से एलसीएम लेके सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी फाई, ट्वेंटी फाई को फाई से कैंसिल कर देंगे तो फाई अपॉन टू इंटू सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी फाई माइनस थ्री, अंदर से टू बाई फाई। अब इसकी कंप्लीट नाइन बाई फाई, ये माइनस का नाइन बाई टेन, ये टू से सिक्सटीन कैंसिल होकर एट, और ये इससे कैंसिल होकर एट बाई फाई माइनस का सिक्स अपॉन फाई। अब कंप्लीट में एलसीएम टेन, टेन एलसीएम लेने पर यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई माइनस नाइन, यहाँ से टू से मल्टीप्लाई, यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई, तो ये थर्टी फोर माइनस का ट्वेंटी वन अपॉन टेन। तो इस तरह हमारा कंप्लीट आंसर थर्टीन बाई टेन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर मॉडुलस ऑफ एक्स फ्रॉम माइनस वन टू प्लस वन। अब हमारा जब मॉडुलस फंक्शन यहाँ पर एक्स है तो सबसे पहले हम वी हैव मॉडुलस ऑफ एक्स को हम माइनस एक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं। माइनस में हमारा ये लेस देन जीरो होगा, प्लस में ये हमारा ग्रेटर इक्वल जीरो होगा। अब जब हम ई की जीरो यहाँ पर रखेंगे तो ई की जीरो हमारी वन की वैल्यू होती है, तो वन की वैल्यू होने के कारण जो हमारा ग्राफ होगा वो इस टाइप का होगा, यानी वन जीरो, तो यहाँ पर वन जीरो। तो अब हमारे पास जो फंक्शन है इस क्वेश्चन में माइनस से प्लस है और लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो है, तब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन माइनस वन से प्लस वन ई की मोड ऑफ एक्स डी एक्स, यानी माइनस वन से जीरो ई की माइनस एक्स डी एक्स, फिर जीरो से वन ई की एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हमारा जो इंटीग्रेशन गिवन होगा माइनस ई की माइनस एक्स यानी माइनस वन से जीरो, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन ई की एक्स का ई की एक्स
लिमिट जीरो से वन। अब हम यहाँ पर जो वैल्यू रख रहे हैं ई की जीरो माइनस ई प्लस हो जाएगा ये, इसी तरह यहाँ पर ई माइनस ई की जीरो। तो अब हम माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ई माइनस वन प्लस ई माइनस वन यानी टू ई माइनस टू, तो दैट इज़ कंप्लीट आंसर टू ई माइनस टू। क्वेश्चन नंबर फोर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रॉम जीरो टू थ्री। यहाँ पर एक्स हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब भी हम किसी क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे यानी कई पार्टों में उसको ओपन करेंगे, तो उस समय हमें थोड़ा सा फोकस ये करना होगा जो लोअर लिमिट है वो हमारा फंक्शन का वर्क करेगा। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हम वी हैव जीरो से वन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ डी एक्स, तो यहाँ वन की जगह थ्री है, तो इसको हम प्रॉपर्टी थर्ड के अनुसार जीरो से वन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी एक्स, फिर अपर लिमिट वन, तो यहाँ पर लोअर लिमिट वन टू टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी एक्स। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट और मैक्सिमम हमारे पास थ्री तक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ डी एक्स। अब हमारे पास यहाँ लोअर लिमिट जीरो है, तो जब लोअर लिमिट जीरो है तो हम एक्स की जगह जीरो डी एक्स। अब हमारे पास लोअर लिमिट वन है तो हम एक्स की जगह वन डी एक्स, यानी फंक्शन हमारा वन हो गया। इसी तरह अब हमारे पास लोअर लिमिट टू है तो हम एक्स की जगह टू डी एक्स, यानी फंक्शन हमारे कॉन्स्टेंट हो गए। यहाँ पर x की जगह 0, यहाँ पर x की जगह 1, यहाँ पर x की जगह 2। अब ये तो 0 हो गया, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट हमारी इसकी 1 से 2 है, तो 1 से 2 इसका हो गया 2x, तो इसकी लिमिट है 2 से 3, तो 2 माइनस 1 प्लस 2, 3 माइनस 2, तो 1 प्लस यहाँ से 1 प्लस 2 यानी 3, तो कंप्लीट आंसर हमारे क्वेश्चन का 3। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x फ्रॉम 1 टू 2। अब हमारे पास जो यहाँ पर फंक्शन x बिलोंगिंग है 1 टू 2 से रिलेटेड है, इसी तरह हमारे पास जो फंक्शन है वो 3x है, तो 3x रिलेटेड होगा 3 और 6 से। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो 3 या 3 से मोर देन है, तब हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी 1 टू 2 3x ग्रेटेस्ट इंटीजर dx, तो ये कन्वर्ट होगा लोअर लिमिट 1 होने के कारण। अब यहाँ पर 3 है तो मैं इसे 4/3 ले रहा हूँ, तो 3x ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। अब लोअर अपर लिमिट अगले के लिए लोअर लिमिट, यहाँ 5/3 3x dx। हमारी जो अपर वैल्यू है मोर देन 2 हो सकती है, अधिक से अधिक 2 हो सकती है। अब 5/3 से 6/3 3x ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन। अब x की जगह 1, तो 3 आउटसाइड में 0 से 1 से 4/3 1 dx। अब x की जगह जब 5/3 रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 5 बाहर, तो 4/3 से 5/3 1 dx। अब जब यहाँ पर x की जगह 5/3 रखेंगे लोअर लिमिट की वैल्यू यानी रखते हैं फंक्शन में, तो 5 बाहर आएगा 5/3 से यानी 2 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट हमारी 1 टू 4/3 5/1 का इंटीग्रेशन x, 4/3 से 5/3 5
वन का इंटीग्रेशन एक्स फाइव बाई थ्री से टू, तो यहाँ एक्स की जगह वन, तो यानी थ्री फोर बाई थ्री माइनस वन प्लस फाइव, फाइव बाई थ्री माइनस फोर बाई थ्री प्लस फाइव टू माइनस फाइव बाई थ्री। तो यहाँ से वन बाई थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल वन, प्लस यहाँ से फाइव बाई थ्री और यहाँ से वन, फाइव बाई थ्री यहाँ पर ये फोर बाई थ्री है, फोर बाई थ्री, तो यहाँ से ये फोर बाहर आएगा, तो ये हमारा फोर बाई थ्री प्लस ये फाइव बाई थ्री, तो थ्री एलसीएम, तो थ्री एलसीएम लेने पर थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, तो ट्वेल्व बाई थ्री इक्वल फोर, तो दैट इज कंप्लीट आंसर फोर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स फ्रॉम माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर। तो सबसे पहले इफ साइन एक्स का मॉडुलस को हम एक बार माइनस और एक बार प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जो माइनस होगा वो हमारा लेस देन पाई बाई फोर होगा और जो प्लस होगा वो ग्रेटर पाई बाई फोर होगा। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अब सबसे पहले हम इफ साइन एक्स इक्वल जीरो, तो साइन एक्स हमारा जीरो, साइन की टेबल में साइन साइन जीरो की वैल्यू होती है, तो एक्स हमारा जीरो गिविन हुआ यहाँ पर। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन माइनस पाई बाई फोर से प्लस पाई बाई फोर साइन एक्स का मॉडुलस डी एक्स इक्वल माइनस पाई बाई फोर से जीरो माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस जीरो से पाई बाई फोर में वो हमारा पॉजिटिव फंक्शन होगा, तो प्लस का साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर जो हमारा है वो माइनस पाई बाई फोर से जीरो तक है और यहाँ पर जीरो से पाई बाई फोर है। तो अब हमारे पास साइन का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस होता है, तो ये यानी माइनस माइनस प्लस, माइनस पाई बाई फोर से जीरो। अब साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, जीरो से पाई बाई फोर। अब कोस जीरो की वैल्यू वन, माइनस कोस पाई बाई फोर, कोस माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, तो इसलिए कोस पाई बाई फोर प्लस ये माइनस हमने बाहर लिखा कोस पाई बाई फोर, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो कोस जीरो की वैल्यू वन। अब हमारे पास जो यहाँ से वैल्यू गिवन हो रही है वन माइनस कोस पाई बाई फोर की वैल्यू वन अपॉन अंडरवुड टू माइनस वन अपॉन अंडरवुड टू माइनस माइनस प्लस वन। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है टू माइनस टू अपॉन अंडरवुड टू यानी टू माइनस अंडरवुड टू, तो दैट इज कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू मॉडुलस प्लस मॉडुलस एक्स माइनस फोर फ्रॉम वन टू फोर। अब हमारे पास थ्री फंक्शन मॉडुलस में है, पहले हमें इन्हें तीनों को प्लस करना है और फिर लोअर लिमिट वन टू फोर है। तो सबसे पहले हम इन फंक्शनों को प्लस करते हैं। अब जैसे हमारे पास तीन मॉडुलस के फंक्शन हैं, तो हमें फोर फंक्शन गिवन होंगे, पहले में तीनों माइनस होंगे, दूसरे में पहला प्लस बाकी के दो माइनस होंगे, तीसरे में पहले दो प्लस लास्ट वाला माइनस होगा और लास्ट यानी फोर्थ फंक्शन में सभी प्लस होंगे। तो अब हमारा जो इस टाइप के क्वेश्चन एक्स माइनस वन का मोड, एक्स माइनस टू का मोड,
प्लस एक्स माइनस फोर का मोड। तो अब हमें फोर फंक्शन गिवन होंगे, पहले में सभी माइनस, तो मैंने माइनस की अंदर मल्टीप्लाई कर दी। तो जब सभी माइनस होंगे तो हमारा यहाँ पर लेस देन वन होगा, फंक्शन हमारा लेस देन वन होगा। अब जब लेस देन वन होगा, दूसरे फंक्शन में पहला प्लस होगा और बाकी के दोनों माइनस होंगे, तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन होगा ग्रेटर वन लेस देन टू होगा। इसी तरह अब थर्ड फंक्शन में पहले दो प्लस में होंगे और थर्ड हमारा माइनस में होगा। यहाँ पर हमारी टू से मोर देन और थ्री से लेस देन। अब फोर्थ फंक्शन में हमारे तीनों ये प्लस के होंगे, एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस फोर। तो यहाँ पर ग्रेटर इक्वल थ्री, थ्री या थ्री से मोर देन हो गए हमारे यहाँ पर, तो ग्रेटर थ्री लेते हैं। अब जो हमें फंक्शन गिवन हो रहा है, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा तो सेवन माइनस थ्री एक्स। तो जब हमें फर्स्ट फंक्शन गिवन हुआ सेवन माइनस थ्री एक्स पे, तो यहाँ पर जो हमें गिवन है वो ग्रेटर ग्रेटर वन, यानी जो एक्स है वो ग्रेटर वन और टू से लेस देन है। इसी तरह सेकंड फंक्शन में ये हमारा एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये प्लस का सिक्स और ये माइनस का, तो यानी फाइव माइनस एक्स। यहाँ पर जो फंक्शन होगा ग्रेटर टू लेस देन थ्री होगा। इसी तरह हमारा जो थर्ड फंक्शन होगा, इन फंक्शनों को पहले वाला हमारा लेस देन वन होगा, दूसरे वाला ग्रेटर वन से वन और टू के बिटवीन होगा। इसी तरह तीसरे में हमारा ये एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये फोर प्लस का थ्री का माइनस। तो हमारा जो फंक्शन गिवन हुआ यहाँ पर एक्स प्लस वन, ये जो फंक्शन होगा ग्रेटर टू लेस देन थ्री। अब फोर्थ वाले में सभी प्लस हैं, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, थ्री एक्स माइनस सेवन इफ ग्रेटर थ्री। तो अब हमारा जो फंक्शन है वो फोर फंक्शन में गिवन हुआ। अब हमारी जो लिमिट है वन टू फोर के बिटवीन है, तो इसलिए इस वाले फंक्शन की हमें यहाँ इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वन टू फोर एक्स माइनस वन का मोड, एक्स माइनस टू का मोड प्लस एक्स माइनस फोर का मोड डी एक्स। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा वन टू टू, फंक्शन होगा हमारा फाइव माइनस एक्स डी एक्स। अब हमारा सेकंड फंक्शन होगा टू टू थ्री और फंक्शन होगा एक्स प्लस वन डी एक्स, और थर्ड फंक्शन हमारा थ्री टू फोर और फंक्शन होगा थ्री एक्स माइनस सेवन डी एक्स। अब हम इसका सिंपल इंटीग्रेशन फाइव एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट वन टू टू, इसी तरह इसका एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स लिमिट टू टू थ्री, और इसका हमारा थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस सेवन एक्स लिमिट थ्री टू फोर। अब हम इस अब हमारा यहाँ पर जब x की वैल्यू टू माइनस वन रखते हैं तो फाइव टू माइनस वन यानी वन। अब यहाँ पर माइनस का वन बाई टू, टू का स्क्वायर माइनस वन यानी थ्री। अब इसी तरह हम वन बाई टू जब थ्री रखते हैं तो थ्री का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर यानी फाइव। इसी तरह जब यहाँ पर x की वैल्यू थ्री माइनस टू रखेंगे तो प्लस का वन। इस तरह यहाँ पर हमें थ्री बाई टू एक्स का स्क्वायर यानी सिक्सटीन माइनस नाइन, सिक्सटीन माइनस नाइन यानी सेवन। इसी तरह यहाँ पर माइनस सेवन फोर माइनस थ्री। अब हमारे पास यहाँ से फाइव
माइनस थ्री बाई टू प्लस फाइव बाई टू प्लस वन प्लस ट्वेंटी वन बाई टू, ये प्लस का वन यानी माइनस सेवन। अब कंप्लीट से एलसीएम टू, एलसीएम टू ये यानी फाइव, ये हमारा टेन हो जाएगा, ये माइनस का थ्री, ये प्लस का फाइव, ये प्लस का टू, प्लस का ट्वेंटी वन, माइनस का फोर्टीन। तो अब हमारा प्लस का ट्वेंटी वन थर्टी एट, माइनस सेवनटीन यानी ट्वेंटी थ्री बाई टू हमारा कंप्लीट आंसर इसका आ जाएगा। होमवर्क क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू क्वेश्चन नंबर वन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो हमें एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है, अपर लिमिट फोर लोअर लिमिट वन, वेयर फंक्शन एफ एक्स इक्वल फोर एक्स प्लस थ्री, एक्स ग्रेटर वन लेस देन टू, इसी तरह थ्री एक्स प्लस फाइव ग्रेटर टू लेस देन फोर। तो हम सबसे पहले यहाँ पर वन से टू, फिर टू से फोर, टू पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे और फिर इसका सिंपल इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, आंसर गिवन हो जाएगा। यहाँ पर टू एक्स प्लस वन को जीरो रखेंगे, एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई टू आएगी, तो हमारी फर्स्ट लिमिट माइनस वन से माइनस वन बाई टू और सेकंड लिमिट यानी माइनस वन बाई टू से प्लस वन होगा। फर्स्ट में ये माइनस हो जाएगा कंप्लीट फंक्शन, सेकंड में ये कंप्लीट फंक्शन प्लस होगा। इसी तरह यहाँ पर साइन एक्स को जब जीरो रखेंगे तो साइन एक्स इक्वल जीरो, तो अब हमें जीरो से टू पाई के बीच में इसकी वैल्यू गिवन करनी है। तो हमारा जो साइन में वैल्यू होता है जीरो, जीरो और टू पाई के बिटवीन होता है, तो इसे एक बार माइनस में कर लेंगे, एक बार प्लस में कर लेंगे। जब हम फर्स्ट उसमें लेंगे जीरो से पाई बाई टू में लेंगे, ये टू पाई है हमारा, टू पाई का मतलब 360। जब हम जीरो से पाई में लेंगे तो हम फंक्शन साइन एक्स को प्लस लेंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट्स में साइन प्लस होता है, थर्ड और फोर्थ में साइन माइनस होता है, तब तो हमारी लिमिट पाई से टू पाई के बिटवीन होगी और फंक्शन हमारा माइनस होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्वाड्रेंट्स का विशेष ध्यान रखेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर फोर, एक्स माइनस वन को जीरो, एक्स इक्वल वन, फर्स्ट पार्ट की लिमिट जीरो से वन होगी, फंक्शन कंप्लीट माइनस होगा, सेकंड पार्ट वन से फोर होगा, फंक्शन हमारा कंप्लीट फोर होगा यानी पॉजिटिव होगा। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर होने के कारण जब हम इसको जीरो से वन लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह वन रखेंगे, जब वन से टू रखेंगे तो नहीं, जब जीरो जीरो से वन रखेंगे तो एक्स की जगह जीरो रखेंगे, जब वन से टू रखेंगे तो एक्स की जगह वन रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी क्यूब करेंगे। तो ये सिक्स क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। बस बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू।